तो मेरे हाथ में है ये सोने के कुत्ते, यानी कि गोल्ड डॉग्स। आज हम इसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से हम सोने के कुत्ते से उपाय करते हैं, कब ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक सोने का कुत्ता घर में रखना है, क्यों ये उपाय आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आज इसकी पूर्ण व्याख्या मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों, उपाय के लिए हम तरह तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सोना भी होता है, चांदी भी होता है, तांबल भी होता है, यानी कि धातुओं को हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार अनाजों को इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी चीज़ें उपाय में इस्तेमाल होती हैं। पर एक उपाय ऐसा होता है जिस उपाय में हमें गोल्ड की ज़रूरत होती है, सोने की। तभी कहा जाता है कि अपने घर के गोल्ड को कभी मत बेचें, ना गिरवी रखें। आपके घर का गोल्ड अगर बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ है तो उसको तो बहुत संभाल के आशीर्वाद की तरह आपको रखना है। पर जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, ये कहीं चला जाता है, किसी को गिरवी रख दिया या बेच दिया आपने, या एक्सचेंज कर दिया, तब वहीं से परेशानियाँ आपकी शुरू हो जाती हैं। अब उपाय के तहत देखिए, गोल्ड का डॉग यानी कि सोने का कुत्ता, ये देखिए मेरे हाथ में ये डॉग्स हैं। ये जो हैं देखिए बिल्कुल सुनहरे रंग के डॉग्स हैं। अब ये सुनहरा रंग यानी कि गोल्डन कलर, जो कि बृहस्पति का कलर है, और डॉग यानी कि कुत्ता, जो कि केतु है। अब यहीं पर आप समझ गए होंगे कि ये एक केतु का ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में चल रही सबसे बड़ी परेशानियों को दूर कर देता है। अब वो एक ऐसा दोष जिसके लिए आपको इतना खर्चा करना पड़ता है, ये एक ऐसा दोष है जो कि मंगल के साथ जब केतु आपस में मिल जाते हैं, युति बनाकर बैठ जाते हैं, तब बन जाता है एक सबसे हाई लेवल का मंगल बद, नेगेटिव मंगल। अब ये नेगेटिव मंगल आपके जीवन में करता क्या है? सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव मंगल आपके जीवन में कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं होने देता है। आपके जीवन में कोई ना कोई सेहत की परेशानियाँ लंबी चलती रहती हैं, आपके सभी काम बिगड़ते हैं, व्यक्ति एक तरफ से बनाता है और दूसरी तरफ से उसका बिगड़ता जाता है। ये सबसे बड़ी मुख्य निशानी है इसकी, मंगल बद की, क्योंकि ये मंगल बद, मंगल जब केतु के साथ मिल जाए तो ये एक ऐसा मंगल बद बन जाता है जो कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, झंझट और दुख तकलीफें ही लेकर आता है। व्यक्ति का कोई भी काम ना बने, व्यक्ति के काम बने तो दूसरी तरफ से बिगड़े, यानी कि आमदनी कम, नुकसान ज़्यादा। जब कभी ऐसी चीज़ें उसके साथ होती हों तब उसको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं ये मंगल केतु का दोष उसके जीवन में बुरे प्रभाव डाल रहा है। इस मंगल केतु के दोष को दूर करने के लिए बृहस्पति की मदद ली जाती है। अब बृहस्पति यानी कि गोल्डन कलर, सुनहरा रंग और धातु जिसमें सोना आता है, इसीलिए ये केतु को हमने बृहस्पति के साथ इसको लिया। क्यों? क्योंकि केतु ही बृहस्पति का चेला है। जब जीवन में केतु के दोष पड़ रहे होते हैं तब बृहस्पति की मदद ली जाती है। आपने लोगों को देखा होगा कान छेदन कराते हैं, कान में सोना पहनते हैं, ये भी मंगल केतु का ही उपाय है और केतु को सही करने का उपाय है। जिसके जीवन में दुख ज़्यादा हो, जिसके संतान संबंधी दिक्कतें हैं, जिसको सेहत में कहीं ना कहीं हड्डी या फिर यूरिनरी मूत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो, वो भी कान छेदन कराए। बच्चा जब बहुत अधिक बीमार रहने लगे, बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ है, परेशानियां रहने लगे, तब ऐसे केस में भी बच्चे का कान छेदन होता है। और ये कान छेदन बच्चों का शुरुआत में ही कर दिया जाता है, कुछ लोग बाद में करवाते हैं, पर करवाते ज़रूर हैं, और करवाने के इसके कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही हैं। क्योंकि पहले के समय में अगर आप देखें तो सबके कर्ण वेद यानी कि कान छेदन हुआ करते थे, पर आजकल के समय में प्रोफेशनल लाइफ है, बहुत सी चीज़ें हैं, नहीं करवा पाते हैं। पर हमें कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट और तो रास्ते मिलते हैं ना, तो यही एक रास्ता है। अगर आप मान लीजिए कान छेदन नहीं करवा सकते तो इस तरह से आप सोने के कुत्ते को बनवा लीजिए। अब ये देखिए, गोल्ड का डॉग होगा, ठोस डॉग होगा, पूरा देखिए एक तरह से पूरा ठोस डॉग होगा। इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ, पर इसके अल्टरनेट भी आपको बताऊँगा। अब इस तरह से एक डॉग हो गया, आप चाहे तो घर में भी पीतल का डॉग रख सकते हैं, बड़ा डॉग, बड़ा डॉग जिसपे काला और सफ़ेद रंग हो। अब यही छोटे डॉग को कलर करके इस तरह से आप डॉट लगा के, वाइट कलर के डॉट लगा के, पूरा ब्लैक पेंट करके डॉट लगा के इस तरह से ब्लैक एंड वाइट बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। पर यहाँ पर जो मुख्य उपाय होगा वो यही होगा कि आप सोने का कुत्ता बनवा लीजिए। वज़न उसका कुछ भी हो, आपकी इच्छा है, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना वज़न का बनवा लीजिए। अब बात आती है जो लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास इतना बजट नहीं है,
वो लोग क्या करें, इस तरह से पीतल का कुत्ता ठोस, स्मॉल, छोटा चाहे तो बड़ा, बड़े भी डॉग आते हैं फोटो में देखिए, जो कि बड़े डॉग हैं, यानी कि आपकी हथेली के बराबर, हथेली से थोड़े छोटे होंगे, वज़न इनका कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से डॉग पीतल के अपने घर में सजा के रखते हैं, सजा के आपने कहाँ रखना है, या तो आप अपने घर के ड्राइंग हॉल में रख सकते हो, या फिर आप अपने घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हो। इस दिशा में रखना आपके घर की एक तो एस्ट्रो वास्तु रेमेडी के तहत ये काम करेगा, और आपके जीवन में पड़ रहे मंगल केतु के बुरे प्रभाव से भी आपको दूर करेगा। अब ये बात तो हो गई कि आपने घर में रख लिया, आप घर में रहते हो, आपके ऊपर उस चीज़ का असर आ रहा है कि कुत्ता रखने का जो कि पीतल का है, पर आप बाहर भी जाते हो, बाहर जाते हो तो क्या करें। तो इस केस में आप अपने बैग में एक या तीन कुत्ते इस तरह से बने हुए आप अपने बैग में भी रख सकते हो। आप अपने जो लैपटॉप बैग या फिर लंच बैग जो भी आप कैरी करते हो उसमें रख लीजिए, नहीं तो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख लीजिए। अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग करते हो, आपको लगता है कि आपका ज़्यादा सफ़र करने में निकल जाता है समय, तो गाड़ी में रख लीजिए, नहीं तो आपके पास बैग होगा उसमें रख लीजिए। आप उसमें एक रख सकते हो, तीन रख सकते हो, यानी कि ऐसी ऐसी जगहों पर आप रख लीजिए जहाँ पर आपका ज़्यादा उठना बैठना होता हो। जैसे कि या तो अपने ड्राइंग रूम में रखिए, या तो अपने ऑफिस टेबल पर रख लीजिए, या तो अपनी गाड़ी में रख लीजिए, अपने लैपटॉप बैग में रख लीजिए, जो भी चीज़ आप कैरी करते हो, जितना समय ये आपके साथ रहेगा उतना समय आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस का अनुभव होता रहेगा, और आपके जीवन में चल रही ये मंगल केतु दोष जैसी परेशानियां दूर होती रहेंगी। क्योंकि ये मंगल केतु अगर जीवन में सबसे बड़ी परेशानी लाता है तो उसका लक्षण ये है कि ये बहुत बड़ी शारीरिक परेशानियां दे देता है। ऐसे लोगों को कई बार ऑपरेशंस, हड्डी टूटने की या फिर पेट की खासकर तकलीफें देखी गई हैं, और अगर ये जटिल परेशानियों में आ जाए तो ऐसे केस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं ब्लड संबंधित परेशानियां दे देता है। जीवन में उसके काम कोई भी अच्छे तरीके से होते नहीं हैं, वो कोई भी काम करता उसको नज़र बहुत लगती है, उसको नज़र यानी कि दूसरों की बुरी नज़र लगी। तो ऐसे लोगों को एक सबसे बड़ी एक हिदायत दे देता हूँ, उन लोगों को अपने जीवन की कोई भी ऐसी सुखद अनुभव वाली चीज़ें, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे बच्चे बढ़ रहे हैं, चाहे बच्चों को कोई उपलब्धि मिली है या फिर आपको कोई उपलब्धि मिली है। तो लोग आजकल क्या करते हैं, फ़ोटो खींची और साथ में सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, फेसबुक या फिर इंस्टा पे अपलोड कर दी। ये काम बिल्कुल मत करें, और अपने कामों को थोड़ा सा सीक्रेट रहने दें, अपने जीवन को उठता हुआ मत लोगों को महसूस होने दें, वरना उनकी बुरी नज़र आपके जीवन पर ऐसे ही बुरे प्रभाव डालेगी। और इन सब चीज़ों को ही प्रोटेक्शन करने के लिए, क्यों, क्योंकि आपके साथ है मंगलवध। अब आप उन चीज़ों को लेने के लिए, उन नेगेटिव चीज़ों को लेने के लिए एक्सपोज हो चुके हो। जिस तरह से एक ताला है तो उसकी एक चाबी होती है, इसी तरीके से अगर आप ताला बन चुके हो तो चाबी लोगों की बुरी नज़र होगी, जो आपके जीवन में हमेशा परेशानियाँ लेकर आएगी। लॉक एंड की को समझ लीजिए, बिना ताले के या बिना चाबी के दोनों ही अधूरे हैं। तो इसी तरीके से जब यह मंगल केतु होता है तो लोगों की बुरी नज़र एक तीर के समान काम करती है, और आप बिल्कुल टारगेट होते हो इन चीज़ों से। आपको अक्सर नज़र लगती है, आप अक्सर इन चीज़ों का अनुभव करते हो कि लोगों की यार कोई भी बात कही हुई है मुझ पे बहुत जल्दी असर कर जाती है, मैं कुछ भी करता हूँ पता नहीं कैसे लोगों को इस तरह से पता लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा काम बिगड़ जाता है, मैं पहले बहुत अच्छा कमाता था पर आप जीवन में देखो इतना स्ट्रगल आ गया है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन की खुशियों को, क्योंकि मंगल ही खुशियां हैं, मंगल ही आपके कनेक्शन हैं, मंगल ही आपके यार दोस्त हैं, मंगल ही आपका सब वो तरह का एक तरह का व्यवहार है जो खराब होता हुआ आपको अगर दिखे तो मंगल केतु का योग है हुआ है आपकी कुंडली में। तो आप इस तरह से कुत्ते बनवा लीजिए। अब मान लीजिए आप गोल्ड का कुत्ता लेते हो, तो आप गोल्ड का कुत्ता लेके तो अपने साथ कैरी करके नहीं चल सकते, तो उसका तरीका क्या है, आपको गोल्ड का कुत्ता बनवा लेना है, चाहे छोटा सा ही बनवा लीजिए। अब ये बनेगा कैसे, आपके यहाँ पर जो भी ज्वेलर है उनको बोलिए कैड डिज़ाइनिंग, CAD, कैड, कैड डिज़ाइनिंग से आप इसको डिज़ाइन करवा लीजिए और बनवा लीजिए। अब कुत्ता चाहे आप बैठा हुआ बनवा लीजिए, चाहे आप खड़ा हुआ बनवा लीजिए, जैसा मर्जी, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ठोस हो, सॉलिड बना हो। अब सॉलिड बनवाने पे आओगे तो कम से कम ये 10 से 15 ग्राम का बनेगा, पर एक बात समझ लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन में, आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली एक चीज़ है। आप बनवा के इसको
गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन अपने घर के सेफ में जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो वहाँ पर परमानेंट अपने हाथ से रख दीजिए। बस इतना काम करने मात्र से ही। अब दूसरे लोग क्या करें, मान लीजिए किसी का बच्चा बाहर है, कोई बाहर पढ़ने गया है, तो घर के लोग माता पिता या फिर घर के अभिभावक जो हैं वो बच्चे के नाम से बनवा के अपने घर के सेफ में रख दें। बस रखना ही है और प्रार्थना करनी है उसके लिए कि उसके जीवन में सब कुछ सुख शांति भरा हो, उसके जीवन से सब परेशानियां दूर हों। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप बड़े कुत्ते लेके पीतल के वो अपने घर में रख सकते हैं, सजा सकते हैं। बड़े कुत्ते कैरी नहीं कर सकते तो इसलिए छोटा कुत्ता ले सकते हैं। इस तरह से आप ये बनवा लीजिए और देखिए किस तरह से आपके जीवन से ये जो मंगल केतु का जो विष घुलता जा रहा है वो आपका दूर होगा। और इस तरह की और भी बेहतरीन जानकारियां हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए यही है कि आप लोग कमेंट करते रहिए और यहाँ पर जय श्री हनुमान का आप नारा जरूर लगाइए, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी को ध्याओ, मंगल के जीवन के जो शुभ फल हैं आपने जीवन में पाओ। बाकी ऐसे ही और जानकारियां फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।